आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पाकिस्तान में पीएम इमरान के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो चुके हैं। विपक्षी दल अब इमरान खान को सत्ता से बेदखल करना चाहता है, पर विपक्ष की चाल अब फेल होती दिखाई दे रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाक संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा, विपक्ष के खिलाफ इमरान का मास्टर स्ट्रोक, इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, इमरान का खेल विपक्ष हुआ फेल। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तापमान सातवें आसमान पर है। पाक पीएम इमरान खान इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। विपक्ष जहां अब सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है, वहीं इमरान खान तमाम जुगाड़ बैठाकर हालातों पर काबू पाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में इमरान ने सही दांव खेलते हुए विपक्षियों को धराशाही कर दिया। दरअसल रविवार को पाक संसद में इमरान खान की सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था। विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। दुनिया भर में अटकलें चल रही थी कि आज इमरान का पीएम के तौर पर आखिरी दिन होने वाला है, पर संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान ने राष्ट्र को संबोधित किया और इसके लिए मुबारकबाद दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से असेंबली भंग करने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब पाकिस्तान में नए चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी सलाह इमरान ने खुद ही दी है। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव रिजीम चेंज की, जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में। एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है, और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं। अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था। ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से कहा कि कौम चुनावों के लिए तैयार रहे। बता दें कि कुछ वक्त पहले प्रमुख सहयोगी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी PQMP ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद से नेशनल असेंबली में इमरान सरकार ने बहुमत खो दिया और विपक्ष एकजुट होकर इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। इसके बाद से इमरान की कुर्सी खतरे में आ चुकी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं इमरान को ये साफ तौर पर पता चल गया था कि अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो सरकार गिरना लगभग तय है। पर इससे पहले इमरान खान ने बीते शनिवार को देश के युवाओं से खास अपील की, जहां उन्होंने कहा कि वे उनकी सरकार के खिलाफ कथित तौर पर रचे गए विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि वे पाकिस्तान सेना की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इमरान ने इसे देश के भविष्य के लिए युद्ध करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां देश के लोगों को अहम फैसला करना होगा। वहीं दूसरी ओर रविवार को इमरान के इस मास्टर स्ट्रोक ने सबको हैरान करके रख दिया। पाक संसद भंग होने के बाद अब 90 दिन में दोबारा चुनाव होने हैं। ऐसे में इमरान वापस सत्ता पे वापसी कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
राजनीतिक उथल पुथल तो पाकिस्तान में काफी तेज है, विपक्ष भी लगातार हमले बोल रहा है, लेकिन इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।